Today's topic is class 10 chapter 14 exercise 14.1. Let's start your topic. Question first. A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे को मीन फाइंड करना है. हमारे को दिया हुआ क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस, और फाइंड क्या करना है, मीन. मीन फाइंड करने के लिए बच्चों हमें इस टाइप के चार ब्लॉक बनाने होंगे जो मैंने पहले से बना रखे हैं, आप देख सकते हैं. फर्स्ट ब्लॉक में हमें सेट करना होता है सी आई, सेकेंड ब्लॉक में एफ, थर्ड ब्लॉक में एक्स आई, फोर्थ ब्लॉक में हमारा एफ आई एक्स आई सेट हो जाता है. बच्चों सी आई के अंदर हम नंबर ऑफ प्लांट्स को सेट कर देंगे 0 to 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14. यह हमारी सी आई सेट हो गई बच्चों. अब हम करेंगे फ्रिक्वेंसी. नंबर ऑफ हाउसेज जो होता है उसे हम फ्रिक्वेंसी में सेट कर देंगे 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3. अब आता है टॉपिक एक्स आई कैसे निकाले. एक्स आई कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है बच्चों, बस आप इसको ध्यान से देखना. जो हमारा सी आई होता है हम इसको पहले प्लस करेंगे, फिर जो हमारा प्लस करने पे आएगा हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से. 0 plus 2, 2 divided by 2, 1 हमारा एक्स आई हो गया. 2 plus 4, 6, 6 divided by 2 हमारा एक्स आई हो गया 3. 4 plus 6, 10, 10 divided by 2 हमारी एक्स आई हो गई 5. 6 plus 8, 14, 14 divided by 2 एक्स आई हो गई 7. 10 plus 8, 18, 18 divided by 2 एक्स आई हमारी आ गई 9. 10 plus 12, 22 divided by 2 एक्स आई क्या है 11. 12 plus 14, 26 divided by 2 तो हमारा हो गया 13. ये हमारी आ गई एक्स आई. आपको एक बार और बता देती हूँ बच्चों, एक्स आई कैसे निकलती है. जो हमारा ये होता है सी आई, इसको और इसको प्लस करो, जो हमारा आता है उसको डिवाइड कर दो 2 से, फिर हमारी एक्स आई निकल जाती है. अब निकालेंगे एफ आई एक्स आई. अब एफ आई एक्स आई कैसे निकालते हैं, जो एफ होता है और जो एक्स आई होती है इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों. तो 1 into 1, 1, 3 into 2, 6, 5 into 1, 5, 5 into 7, 35, 9 into 6, 54, 11 into 2, 22, 13 into 3, 39. ये हमारी एफ आई एक्स आई भी निकल गई. हम लास्ट में क्या करते हैं इसका बच्चों, टोटल करेंगे. फ्रीक्वेंसी का पूरे का टोटल करने पे हमारा आएगा 20. एक्स आई का टोटल होता नहीं है तो हम ब्लैंक कर देंगे नीचे. एफ आई एक्स आई का टोटल करने पे हमारा आता है 162 बच्चों, और आप एक बार इसको प्लस करके और देख लेना, 162 ही आता है बच्चों. अब मीन निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे. तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. जो बच्चों ये सिग्मा होता है ये हमारा एडिशन का काम करता है, ठीक है बच्चों. अब एफ आई एक्स आई क्या आया हमारा 162 को, तो हमारा एफ आई एक्स आई 162 है तो इस 162 को यहाँ सेट कर देंगे. हमारा एफ आई क्या है 20, तो 20 को सेट कर देंगे यहाँ पे. अब इन दोनों को बच्चों हम कर देंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने पे हमारा आंसर आता है 8.1. अब ये हमारा निकल गया मीन. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स एट अ फैक्ट्री. ये है हमारा सेकंड क्यू. इसमें डेली वेजेस दे रखा है और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है. अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन. इसमें भी क्या करना है बच्चों, हमको डेली वेजेस वर्कर्स का मीन फाइंड करना है, ठीक है बच्चों. सेकंड, अब बच्चों मीन फाइंड करने के लिए वही चार ब्लॉक बनाऊंगी जो मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट में बताया था, ठीक है बच्चों. फर्स्ट ब्लॉक में क्या आएगा बच्चों, सी आई, सेकेंड में आएगा एफ, थर्ड में आएगा एक्स आई, फोर्थ में आएगा एफ आई एक्स आई बच्चों, ठीक है बच्चों. ऐसा ही कुछ मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था. मीन फाइंड करने के लिए हमेशा आपको इतना ध्यान रखना कि आपको चार ब्लॉक बनाने हैं और सभी ब्लॉक्स में फर्स्ट में सी आई, सेकेंड में एफ, थर्ड में एक्स आई और फोर्थ में एफ आई एक्स आई, ठीक है बच्चों. अब सी आई मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी डेली वेजेस ऊपर वाले को सेट किया था और फ्रीक्वेंसी नीचे वाले को, वैसे ही हम सेट कर देंगे. अब 500 से 520, 520 से 540 और 540 से 560, 560 से 580
580 से और 600, ठीक है बच्चों। फ्रीक्वेंसीज ऐड करते हुए हमारी 12, 14, 8, 6, 10। एक्सआई कैसे निकालते हैं बच्चों, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, सी आई को प्लस करो डिवाइडेड बाय 2 करो, 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाय 2 करने पे हमारा आता है 510, 520 प्लस 540 डिवाइडेड बाय 2 करने पे हमारा आता है एक्सआई 530, 540 प्लस 560 डिवाइडेड बाय 2 करने पे हमारा आता है 550, 560 प्लस 580 डिवाइडेड बाय 2 करने पे हमारा आता है बच्चों 570, 580 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 2 590। बच्चों मैंने इसमें आपको प्लस करना, मैंने डायरेक्टली प्लस कर लिया है, आप देख लेना एक बार, पहले इन दोनों को प्लस करना, फिर जो आपका आंसर आता है उसको डिवाइड करना 2 से, और अगर आप डायरेक्टली हाफ कर सकते हो तो हाफ कर देना और फिर हमारे एक्सआई में सेट कर देना, इस प्रकार हमारी एक्सआई निकल जाएगी। अब हम निकालेंगे एफआई एक्सआई। अब एफआई एक्सआई कैसे निकालेंगे, जो हमारा एक्सआई है और जो हमारा एफ है इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 510 इंटू 12 करने पे हमारा आएगा 6120, अब 530 इंटू 14 करने पे हमारा आएगा 7420 बच्चों, 550 मल्टीप्लाई 8 करने पे हमारा आएगा 4400, 570 मल्टीप्लाई बाय 6 करने पे हमारा FIXI क्या आएगा 3420, 590 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारा FIXI क्या आएगा 5900, ठीक है बच्चों। अब लास्ट में क्या करते हैं हम टोटल, टोटल XI का तो होता नहीं है तो हम क्या कर देंगे ब्लैंक, और फ्रीक्वेंसी करेंगे तो टोटल करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी क्या आएगा बच्चों देखो, हाँ प्लस 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10 करने पे हमारा आ रहा है 50। अब फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, इसको पूरी टोटल फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे ऐड करने पे हमारा आ रहा है 27260, वही सेम तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा, मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है बच्चों। अब एफ आई एक्स आई करेंगे हम 27260, एफ आई एक्स आई हमारी ये आई थी तो हमने यहाँ सेट कर दी, एफ आई क्या निकली थी हमारी 50, तो उसको एज इट इज सेट कर देंगे, इसको आप कट करके लास्ट में इसका डिवाइड देना है आपको, इसको डिवाइड करने पे हमारा एज इट इज आंसर आएगा 5.2 आंसर आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मेन पॉकेट अलाउंस इज रेट 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे को मेन क्या दे रखा है 18, और फाइंड क्या करना है हमारे को फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसमें मिसिंग है तो आपको फाइंड करना है इसमें फ्रीक्वेंसी। अब मैं करके दिखाती हूँ आपको, सी आई एफ एक्स आई एफ आई एक्स आई सेम एज इट इज हमने वैसे ही सेट कर दिया है, फर्स्ट में सी आई, सेकेंड में एफ, थर्ड में एक्स आई, फोर्थ में एफ आई एक्स आई, वही सी आई हम क्या सेट करेंगे ऊपर वाला डेली पॉकेट अलाउंस, तो सेट करते हैं 11, 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25, ये हमारा सेट हो गया सी आई। अब सेट करते हैं हम हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करेंगे, वही नीचे वाला नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हम कहाँ सेट कर देंगे फ्रीक्वेंसी के अंदर, 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। बच्चों इस क्वेश्चन में हमारी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है जो हमें निकालनी है, तो एक्सआई निकालते हैं हम, ठीक है। 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 करने पे हमारा आता है 12, 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 14, 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 16, 17 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 18 आ गया, 19 प्लस 21 फिर डिवाइड करेंगे हम 2 से तो हमारा 20 आएगा और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 20F, 21 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 2 22, 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 24। अब निकालेंगे FIXI, सेम इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, XI को और F को क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, 14 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा 84,
सिक्स इंटू 14 करेंगे तो हमारा आएगा 144। 18 इंटू 13 करेंगे हमारा आएगा 234। अब 20F को एज इट इज लिख देंगे हम, ठीक है बच्चों। 22 इंटू 5 करने पे हमारा आएगा 110, यानी कि 110। 24 इंटू 4 करने पे हमारा आएगा 96। लास्ट में क्या करते हैं हम, टोटल। अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे हम। जो ये टोटल फ्रीक्वेंसी करेंगे तो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी आएगा 44। अब ये जो F यहाँ पे था इसको क्या कर देंगे हम, प्लस F। हाँ एक बात बच्चों, जब आप फ्रीक्वेंसी प्लस करो तो ये जो F है इसको फ्रीक्वेंसी की जगह जो F है इसको प्लस नहीं करना है, बाकी को प्लस करने के आगे ऐसे लिखना है 44 प्लस F, यानी कि इस चीज को छोड़ देना है, इस ब्लैक ब्लॉक को भूल जाना है बच्चों, ठीक है। अब एक्साइज जाएंगे, 12, 14, 16, 18, 22 प्लस 24 करेंगे तो सॉरी बच्चों एक्साइज तो हमें निकालना नहीं होता है, FI XI निकालेंगे। 84 प्लस 84 प्लस 144, 234, 20F, 110, 96। इन सबको प्लस करेंगे, लेकिन जो ये है हमारा 20F इसको नहीं करेंगे बच्चों, इसको भूल जाना है। इन सबको प्लस करेंगे हमारा आता है 752। फिर जो ये हमारा ये बच गया 20F, इसको हमने ऐड किया नहीं तो इसको आगे लगा देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बच्चों हमारा x बार हमारे को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 18 और इसके हम नीचे 1 लगा देंगे बच्चों। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा निकला था 752 प्लस 20F, तो यहाँ सेट कर देंगे बच्चों। सिग्मा एफ आई क्या है हमारा 44 प्लस F, इसको भी यहाँ एज इट इज सेट कर देंगे बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, अपन को इनमें से जैसे 18 है इस साइड कर देंगे 44 प्लस F, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। 752 प्लस 20F इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे फॉर्म में लिख दिया। अब 18 इंटू 44 करने पे हमारा आएगा 792। 18 इंटू F करेंगे तो हमारा हो गया 18F, ब्रैकेट क्लोज। 752 प्लस 20F करेंगे नहीं करना है हमको, इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे देखना ध्यान से, अब हम जो ये F की वैल्यू है इसको एक साइड कर लेंगे और इन दोनों वैल्यूज को एक साइड कर देंगे तो हमारा है 18F, ये 20F इक्वल्स टू के इधर आएगा तो बच्चों ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इधर आने में ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है बच्चों। 792 पॉजिटिव वैल्यू है तो इस साइड जाएगा तो ये काई में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इक्वल्स टू के अगर साइड में वैल्यू जाती है, यानी कि इक्वल्स टू ये है इधर पॉजिटिव वैल्यू, अगर इक्वल्स टू के इस साइड जाएगी तो नेगेटिव में हो जाएगा, और नेगेटिव अगर इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 18 माइनस 20F करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 2F इक्वल्स टू 792 माइनस 752 करेंगे तो 40 आएगा, ठीक है बच्चों। अब ये F साइड में 40 अपॉन 2, 2 वन जा 2 और 20 हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। हमारा फ्रीक्वेंसी क्या आई, 20 आ गई बच्चों, और 20 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका आंसर आ गया बच्चों हमारा 20F। बच्चों आज के वीडियो में हमारा क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर हो गया है, नेक्स्ट पार्ट में हमारा फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वीडियो आएगा। थैंक यू।